आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या क्रेडिट कार्ड को हम लोग ऑनलाइन कैसे क्लोज करेंगे। तो दो तरीका होता है क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने का, आपको भी पता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा, किसी भी आप नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा सकते हैं। बट ये जो ऑप्शन होता है ऑफलाइन वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हम लोगों के पास उतना टाइम होता नहीं है, तो हम लोग ये ऑनलाइन वाला ही ऑप्शन चूज करते हैं। तो मैंने बहुत पहले, एक साल डेढ़ साल पहले, एक वीडियो बनाया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड को क्लोज कैसे करें। तो उसमें मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो ऐप होता है उसके जरिए से आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर सकते हैं। बट उन लोगों का फिर अपडेट आया और उस ऑप्शन को वहां से हटा दिया गया। अब आप ऐप के जरिए से अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो आप क्रेडिट कार्ड क्लोज कर सकते हैं वो दो तरीके से क्लोज कर सकते हैं। एक, या तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ईमेल लिखकर क्लोज करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप ईमेल लिखकर क्लोज कराते हो तो आपको रिप्लाई तो तुरंत आ जाएगा 10 से 15 मिनट में, क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, वो आ जाएगा। लेकिन आपको कम से कम एक हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा, एक हफ्ते के बाद ही आपका क्रेडिट कार्ड क्लोज किया जाएगा, इतना टाइम ईमेल में लगता है। या आप कस्टमर केयर पे कॉल करके भी अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जिस भी शहर से हो वहाँ का भी आप जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है जिस पर आप कॉल कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। इंडिया में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है जिस शहर के वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद ईमेल कैसे लिखना है और कौन सी ईमेल आईडी पे आपको ईमेल सेंड करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो हम लोग चलेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ कि वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलूंगा और वहां पे मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा कि अगर आपको कॉल करना है तो कॉल कहाँ पर करना है और अगर ईमेल लिखना है तो ईमेल कैसे लिखना है। फॉर्मेट वहां पे दिया गया है, सिर्फ आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। और जो वहां पे मैंने ईमेल आईडी भी दे के रखा है, जितनी भी ईमेल आईडी होती है वो सारी ईमेल आईडी वहां पे है, वहां से ईमेल आईडी आप कॉपी करके और सेंड कर देंगे। और अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके क्लोज करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन वहां पे है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं हमें कैसे अपना SC क्रेडिट कार्ड क्लोज करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे लिंक पे आप क्लिक करते हो तो इस पेज पे आ जाओगे। ये यहाँ पे दिया गया है बेस्ट वेज हाउ टू क्लोज स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन 2023। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो देखो दो तरीके बताए गए हैं, एक कॉलिंग कस्टमर केयर, एक है सेंडिंग ए ईमेल। तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर केयर का नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है कस्टमर केयर का, इसके पहले जो 6601 है इसके पहले आपको अपने शहर का STD कोड लगाना है। बट सिटी वाइज यहाँ पे नंबर अलग अलग होते हैं, तो सिटी वाइज देखिए नीचे आप आओगे तो यहाँ पे सिटी वाइज दिया गया है अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे। इन लोगों जो इस जगह पे रहते हैं वो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आगे आप STD कोड लगा लेना अपने शहर का। फिर उसके नीचे देखिए यहाँ पे दिया गया है पूरा जितने भी सिटी हैं यहाँ पे दिया गया है। इसके नीचे आप आओगे तो प्रीमियम बैंकिंग हेल्पलाइन है, ये प्रीमियम बैंकिंग के लिए है। तो सारे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, प्रीमियम बैंकिंग हेल्पलाइन है ये, ठीक है। और प्रायोरिटी था ऊपर वाला। फिर उसके नीचे बिजनेस बैंकिंग हेल्पलाइन है, तो ये बिजनेस बैंकिंग के लिए नंबर दिए गए हैं। और फिर नीचे आओगे तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग टोल फ्री नंबर है, ये इंटरनेशनल इनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं। तो ये तो आपका हो गया पहला तरीका। आप अगर अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज करना चाहते हो तो देखो यहाँ से आप अपना नंबर उठाना, ये जो यहाँ पे दिया गया है ये नंबर वर्किंग है, पहला वाला 6601444, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो। 3940444, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो। आप जिस भी शहर में रहते हो अपना STD कोड लगा लेना यहाँ पे, और नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड अगर क्लोज करोगे तो पर्सनल बैंकिंग हेल्पलाइन नंबर पे ही आपको कॉल करना है, तो यहाँ से आप अपना निकाल सकते हो। आप किस शहर में हो, भोपाल, चंडीगढ़, अगर यहाँ पे हो तो आपको 3940444 वाले नंबर पे कॉल करना है। ऐसे ही आप जिस शहर में हो वहाँ से कॉल कर सकते हो। तो ये तो पहली चीज़ हो गया कि आप कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड क्लोज करेंगे। अब देखते हैं कि ईमेल करके हम लोग कैसे क्रेडिट कार्ड को क्लोज करते हैं। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है सेंडिंग ए ईमेल। तो देखिए
तीन ईमेल आईडी है, ये लेवल वन है कस्टमर केयर डॉट केयर एट द रेट sc.com, लेवल टू है हेड डॉट सर्विस एट द रेट sc.com और लेवल थ्री है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर एट द रेट sc.com। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए ईमेल का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, ये है सब्जेक्ट, ये यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ये यहाँ से आप ऐसे कॉपी कर लेना और अपने ईमेल में ये पेस्ट कर देना। सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए बीच में ये जो डिटेल है, ये डिटेल आपको अपना फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद मैं आपको बता दूँ, टू में आप ये कस्टमर केयर की मेल आईडी आप डाल देना, ये वाला पहला, और फिर सीसी में आप हेड डॉट सर्विस भी डाल सकते हो और सीसी में प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी डाल सकते हो। तो इन तीनों को भी आप अपने एक ही ईमेल में रख कर अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज करवा सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ से सिर्फ आपको सीधे से यहाँ से कॉपी करना है और अपनी ईमेल में पेस्ट कर देना है। और ये दिया गया है मेल आईडी, यहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ही आसानी के साथ क्लोज करा सकते हो। अगर आप ईमेल करके क्लोज कराते हो तो कम से कम 7 से 10 दिन आप वेट करना, आपको रिप्लाई आएगा बट वेट करना पड़ेगा आपको, और आपका क्रेडिट कार्ड 100% क्लोज कर दिया जाएगा। वरना आप कॉल करके भी अपने सिटी के नंबर पे कॉल करके भी अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा सकते हो। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।